मैंने एप्लीकेशन प्रीसेट्स बताए थे तो मुझे एक दो मेल आए थे कि आप जो है वो बिगनर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए लबोलॉजी बता दें, क्योंकि हमें बड़ा मसला होता है कि हम मशीन यूज़ करने लगते हैं तो हमें बटन्स की समझ नहीं आती है कौन से बटन्स किसकी हैं, तो आप उसको बता दें तो श्योर मैं आज आपके लिए इजी वे में आपको बताऊंगी कौन सा बटन जो है वो किस लिए यूज़ करते हैं, और हर मशीन में यही बटन्स होते हैं सारे, हर किसी का फंक्शन भी वही होता है, नाम भी ऊपर मेंशन होता है, सिर्फ ये है कि हमने अकॉर्डिंग टू स्कैन, अकॉर्डिंग टू हमारी जो पैथोलॉजी है उसके मुताबिक हमने ये सारे बटन्स यूज़ करने होते हैं। सो ये वाले जो हमारे पास हैं सारे बटन्स, ये ऑलरेडी सेट होते हैं, ठीक है, इनको या जो हमारे पास मशीन के टेक्नीशियंस हैं वो सेट करके जाते हैं, तो ये मोस्टली जो है ये स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो ही हमारे पास इमेज की क्वालिटी जो है ना वो अच्छी आ जाती है, ना ज़्यादा ब्लर होती है, ना ज़्यादा वाइट होती है, ना ज़्यादा डार्क होती है, नॉर्मल होती है, ठीक है। तो हमने इनको नहीं छेड़ना होता, ये हमारे पास ऐसे ही है। दूसरा ये हमारे पास बटन है स्पीकर का, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको आवाज़ कम करनी है या ज़्यादा करनी है तो एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम इसको रोटेट करके तो हम इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा मशीन में यूज़ होने वाला बटन फ्रीज़, क्योंकि हमने जो भी ऑर्गन देखना है उस पर मेजरमेंट लेनी है, उसको जब तक हम फ्रीज़ नहीं करेंगे तब तक हम उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देखें और फ्रीज़ का बटन, एक हाथ हमेशा आपका, एक हाथ आपने प्रॉप पकड़ी होती है और दूसरा हाथ आपका होता है फ्रीज़ के बटन पे, ठीक है। उसके बाद सेट, ये कर्सर से हम लोग मूव करते हैं, ठीक है, ये कर्सर हमारे पास एरो होता है या मेजरमेंट के लिए या इस तरह स्क्रीन को आगे पीछे करने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये जैसे मैंने ये किडनी निकाली है, ठीक है, अब मैंने इस किडनी को मेजर करना है तो मैं कहूँगी मेजर का बटन प्रेस किया, ठीक है, ये कर्सर से मैं इसको मूव कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने रखा और सेट प्रेस किया, ठीक है, फिर यहाँ से मेजर किया यहाँ तक, ठीक है, और फिर सेट प्रेस किया, ठीक है। तो हमें इनका फंक्शन समझ आ गया, एरो जो है वो कर्सर से मूव होगा, मेजर, ये मेजरमेंट जो हमने करनी होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और सेट हमने अपनी एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए सेट प्रेस किया। उसके बाद अगर इधर ही, अब इसी पर जैसे मैंने कमेंट करने के, जैसे ये मेरी है राइट किडनी, तो ये कमेंट, ठीक है, कमेंट का करूँगी, वैसे कमेंट के लिए यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरी राइट किडनी है तो ये राइट किडनी, ठीक है। अगर मैंने खुद टाइप करना है तो मैं खुद भी टाइप कर सकती हूँ, ये देखें ये कीबोर्ड है हमारे पास टाइप करने के लिए, देखें राइट किडनी, ठीक है, और ये सेट का जब मैंने बटन प्रेस किया तो ये हो गया सेट, ओके। अब देखें ये बी हमारे पास है सिंगल मोड के लिए, अब इससे जो है ये डार्क शार्प होगा इमेज या डार्क होगा, ठीक है, ये हमने अकॉर्डिंग टू सेट करना होता है अपनी इमेज। उसके बाद कलर फ्लो, सी एफ है हमारे पास कलर डॉपलर, कलर फ्लो चेक करते हैं इसमें। अब मैंने इसमें कलर फ्लो करना है, फ़िलहाल तो ये मेरा नहीं चल रहा, फ्रीज है, लेकिन जब मैं कलर फ्लो ऊपर करूँगी तो यहाँ पे कलर बॉक्स खुल जाएगा और हमारी जो वेसल्स है उसमें कलर नज़र आएगा, ठीक है। अगर मैंने किसी वेसल की वेलोसिटी मेजर करनी है या मैंने उसमें फ़्लो मेजर करना है कितना है, तो मैं ये पावर डॉपलर का यूज़ करूँगी, ठीक है। जैसे अक्सर हमने ऑप स्कैन में, सिंपल ऑप स्कैन बहुत कॉमन है, उसमें हमने अम्बिलिकल आर्टरी की रेशियो देखनी होती है, मींस उसमें फ़्लो देखना होता है, तो उसके लिए हम कलर डॉपलर करते हैं प्रेस, उसके बाद पल्स वेव डॉपलर ये हम डालते हैं, तो हमारे पास जो है वो हमारे पास हमें उसकी एस डी रेशियो मिल जाती है, ठीक है। एम मोड हम किस लिए यूज़ करते हैं, एम मोड हम यूज़ करते हैं बेसिकली ऑप स्कैन में फिटस की हार्ट बीट चेक करने के लिए, ठीक है, और उसके बाद बॉडी पैटर्न एक्लिप्स, ये मैं आपको बताती हूँ क्या है, ये देखें, जैसे कि मैंने ऑप स्कैन सेलेक्ट किया, ठीक है, ऑप स्कैन सेलेक्ट किया, ऑप्स टू सेलेक्ट कर लिया, अब देखें यहाँ से मैंने मेजर करना है एसी या एचसी, जब मैं एचसी मेजर करूँगी तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऐसे करूँगी, ठीक है,
साथ में इसको एक्लिप्स को यूं घुमाऊंगी। तो ये देखिए मेरे पास ये खुल गया और कर्सर से मैं इसको अकॉर्डिंग टू हेड एडजस्ट करूंगी। ओके, उसके बाद है मेरे पास जूम का बटन। जूम हम लोगों को पता है कॉमन में जूम, जूम इन करने के लिए और जूम आउट करने के लिए। देखें जैसे स्क्रीन पे जूम इन जूम आउट, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया स्कैन एरिया। स्कैन एरिया देखें, जैसे मैंने कलर फ्लो डाला है, अब मैं इसको अनफ्रीज कर रही हूँ। ठीक है, समझ को जैसे मैंने कलर फ्लो डाला है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास एक बॉक्स आ गया कलर बॉक्स, ठीक है, ये कलर बार आ रहा है साइड पे, कलर बॉक्स आ गया है। इस कलर बॉक्स को यूँ छोटा बड़ा कर सकती हूँ मैं ये स्कैन एरिया को प्रेस करके। देखें, समझ आ रही है? और अगर मैंने कोई रीडिंग कैंसिल करनी है तो मैं ये क्लियर करूँगी। ठीक है, जैसे कि मैंने मैयर की है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये मेरी रीडिंग सही नहीं आई है तो ये जो क्लियर का बटन है ये इसे क्लियर कर देगा। मैं इसको प्रेस करूँगी, रीडिंग कैंसिल। ठीक है, ये मेरे पास डेप्थ का बटन है। डेप्थ मीन हमने कितनी ज़्यादा डेप्थ चाहिए या कम डेप्थ चाहिए, देखें। ठीक है, तो और ये हमारे पास है P1, P2, P3। ये जो हम लोग इमेज लेंगे ये इस मशीन के मुताबिक यहाँ पे जो है ये इमेजेस सेव होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये बटन्स का हमारा कोई काम नहीं है, ये प्रीसेट्स होते हैं पहले से। ये मेरे पास है प्रिंटर का बटन। ठीक है, आम मशीन में जो होता है वो यहाँ से प्रिंटर यूज़ होता है, यहाँ से प्रिंट का, लेकिन इस मशीन में जो है ये ऊपर से प्रेस करेंगे तो हमारे पास प्रिंट निकल आता है।